विदिशा में भी इस तरह के कुछ हालात हैं, जहां बारिश के कारण बेतवा नदी उफान पर है और विदिशा के मुक्ति धाम जाने वाले मार्ग पर पानी भर गया। विदिशा के मुख्य धार्मिक स्थल चरण तीर्थ भी डूब चुका है। बेतवा नदी की चौकी पर स्थानीय होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई। नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी में जलकुंभी छाई हुई है और जिसकी सफाई अब की जा रही है। तो विदिशा के कई गांवों में इस तरह के हालात हैं, कई गांव डूब रहे हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं और बारिश के कारण बेतवा नदी उफान पर आ गई। जल स्तर बढ़ता जा रहा है। जो मंदिर है वो मंदिरों में भी पानी भर चुका है। तस्वीरें दूर से आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर अब डूबते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन आधे आधे मंदिर डूब चुके हैं और काफ़ी दूर तक पानी जो नज़र आ रहा है वो सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि अगर बारिश का दौर इस तरह से जारी रहेगा तो जो ये पुल बना हुआ है ये पुल भी डूब जाएगा और गांवों का संपर्क शहर से फिलहाल टूट जाएगा। हुआ और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है, और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मन बहुत तगड़ा बहाव चलता है इसमें, बहुत अच्छी समझ लो कि गंगे मैया हिसाब से बहती है और ज्यादा हो जाती है तो ये समझ लो कि बाढ़ भी फेंक देती है। अभी तो कम से कम करीब से करीब होगा तो 15-20 फुट होना चाहिए। हाँ। ये पुल हुआ, वो पुल डूबा है, पुराना पुल डूबा है। कच्चा होती है, आते हैं करते हैं। बेतवा नदी पर मैं देखने के लिए आया था, काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। नदी में काफ़ी पानी आ गया है, लगभग 15-20 फुट पानी ऊपर हो गया है। नीचे एक छोटा पुल है, उससे लगभग 3-4 फुट ऊपर पानी हो गया है। काफ़ी पानी बढ़ गया है, लगभग 1-2 मंदिर इस तरफ डूब गए हैं, 3 मंदिर और 2-3 मंदिर उस तरफ लगभग उनसे संपर्क टूट गया है। चरण तीर्थ का जो मंदिर है उस पर आप नहीं पहुंच पाएंगे, उसमें पानी काफ़ी।